आई एम ऋषभ बादल फ्रॉम माय स्मार्ट बैंकिंग यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जियो का रिचार्ज करते होंगे तो उसमें सोचते होंगे कैसे मेरा जो है जियो के रिचार्ज में पैसा जो है बच जाए, पैसा सेविंग हो जाए, डिस्काउंट हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में सजेस्ट करूंगा, अगर उस प्लेटफॉर्म से आप रिचार्ज करेंगे तो डेफिनेटली गाइज आपको यहाँ पर जियो के रिचार्ज में पैसा सेव होगा, डिस्काउंट होगा, या तो कह लीजिए आपको कैशबैक के फॉर्म में कैशबैक मिल जाएगा। तो इस वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट मिलती रहती है, इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट्स बिगिन। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप जो है अगर जियो का रिचार्ज करते होंगे तो कैसे यहाँ पर अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं, जो कि आपको जियो का रिचार्ज बहुत कम में ही हो जाए। तो चलिए क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में आपको यहाँ पर सजेशन देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे खासा रिचार्ज में पैसे को सेव कर सकें। उसके लिए सबसे पहले आपको जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको नीचे रिचार्ज वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारा प्लान आपको दिखाई देगा, तो आप जिस भी प्लान को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। लाइक आप यहाँ पर 666 रुपीज सेलेक्ट कीजिएगा, जिसमें आपको वैलिडिटी 84 दिन का मिल जाता है, 1.5 GB आपको पर डे मिल जाती है। आपको बाई वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ यहाँ पर प्रोसेस लेता है, उसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म जो है अच्छा खासा आपको डिस्काउंट दे देगी, जिससे आपका रिचार्ज जो है बहुत ही कम यहाँ पर प्राइस में हो जाएगी। उसके लिए यहाँ पर आपको कॉर्नर में 6 More का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं गाइज मैंने आपको यहाँ पर जो है शो हो गया है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके सारा के सारा प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूंगा कि आपको कितना यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रेड एप्लीकेशन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए क्रेड एप्लीकेशन। एक क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर जो एप्लीकेशन है जिससे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्रेड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 2x कैशबैक मिल जाती है। जी हाँ गाइज, आपको यहाँ पर 2x कैशबैक मिल जाएगी अप टू 250 तक, जिसमें आपको फुल टर्म कंडीशन चेक करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका रिचार्ज मिनिमम 99 का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है 2x रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा, 2x कैशबैक मिल जाएगा 250 तक। उसके बाद यहाँ पर जो है पेटीएम UPI, आप अगर यहाँ पर पेटीएम UPI के तहत अगर आप पेमेंट करते हैं, जियो रिचार्ज करते हैं, तो आपको यहाँ पर कैशबैक पॉइंट मिलता है, कैशबैक पॉइंट मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर 1111 रुपये का कैशबैक पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बताई गई है 49 रुपीज, अगर यहाँ पर 49 रुपीज से एबव का रिचार्ज कीजिएगा, अगर आप पेमेंट करते हैं पेटीएम UPI से, तो आपको यहाँ पर जो है 1111 रुपीज का यहाँ पर पेटीएम पॉइंट कैशबैक मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब पेटीएम के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड से अगर आप यहाँ पर रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पर अप टू 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। आपको इसमें कैशबैक पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर अप टू 100 रुपीज तक कैशबैक मिल जाएगा। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू बताई गई है 199 या फिर 199 से अबव का रिचार्ज करते हैं और यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर अप टू 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगी। यहाँ पर और एक पेटीएम का ऑफर है जिससे आप यहाँ पर पेटीएम वॉलेट से पेमेंट कीजिएगा, तो यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर अप टू 10,000 तक कैशबैक पॉइंट मिलेगा। नोट कैशबैक, कैशबैक पॉइंट आपको मिलेगा अप टू 10,000 तक। यहाँ पर मिनिमम जो अमाउंट रखी गई है 299 रुपीज रखी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 1,000 जो कैशबैक पॉइंट होता है उसका वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स 10 रुपीज होता है, यानी कि आपको यहाँ पर 10,000 कैशबैक पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है 299 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मोबीक्विक UPI के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर मोबीक्विक UPI से पेमेंट करते हैं, जियो रिचार्ज करते हैं, तो आपको यहाँ पर अप टू 50 रुपीज तक कैशबैक मिल जाएगी। और यहाँ पर आप मोबीक्विक वॉलेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर मोबीक्विक वॉलेट से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पर अप टू 100 रुपीज तक कैशबैक मिल जाएगी। मिनिमम यहाँ पर पेमेंट 199 करना होगा, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर यस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप यहाँ पर मिनिमम 349 रुपीज का रिचार्ज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 10% के कैशबैक के अकॉर्डिंग आपको यस बैंक के वॉलेट में दे दिया जाएगा। तो ये सारा के सारा टर्म कंडीशन आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म का सजेशन दे दिया हूँ कि आप किस प्लेटफॉर्म से कीजिएगा
तो आपको कितना का सेविंग होगा। अगर आपको और भी यहाँ पर टर्म कंडीशन डिटेल में जाननी हो तो आप माई जियो एप्लीकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं गाइज, वहाँ पर आप अच्छे से टर्म कंडीशन पढ़ के और वहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर सजेशन सिर्फ दे दिया कि आपको इस एप्लीकेशन से आपको कितना सारा डिस्काउंट मिल जाएगा जियो के रिचार्ज पे। तो आशा करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर जियो के रिचार्ज में सेविंग होगा अच्छा खासा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज फिर किसी नए इंटरेस्टिंग और किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।